নমস্কার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোনালী আপা কিছু থেকে ভিডিও ইউটিউব পর বাত ইউপি স্পেশাল কি খান শিক্ষা অধিকারী ক্লাস মে ইউপি স্পেশাল কা ये दूसरा वीडियो पहले वीडियो में हमने बात की यूपी की अवस्थिति पर उसकी भौगोलिक स्थिति पर और उसकी भौगोलिक सीमाओं पर अभी हम बात करेंगे थोड़ा यूपी के राजनीतिक और यूपी की जिले कौन कौन से अलग अलग राज्यों से स्पर्श करते हैं या यूपी के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। इससे प्रश्न बहुत पूछते हैं कि यूपी के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, या उससे प्रश्न पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला तराई का जिला है, या उससे प्रश्न पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। तो इस पोलिटिकल पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यूपी की यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं एक बार। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को देखते हैं कि यूपी की यूनिवर्सिटी अगर क्लियर है तो प्रश्नों को सॉल्व करने में मुश्किल नहीं होगी, और अगर अवस्थिति क्लियर नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश। अब इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्यों की सीमा, यानी कौन कौन से राज्य, यहां पे थोड़ा सा फिगर को क्लियर करें। ये सोनभद्र वाला इलाका है। कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं? विदेश कोई दूसरा देश तो नेपाल ही है यहां। ठीक है, अब इस नेपाल के अलावा यहां पे एक राज्य है जिसे हम कहते हैं बिहार। यानी एक राज्य कौन हो गया? बिहार। किसकी सीमा से लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। फिर कौन लगा है उत्तर प्रदेश की सीमा से? फिर यहां पर लगा हुआ है एक राज्य है जो बिहार से ही लगा हुआ था, जिसे कहते हैं झारखंड। यानी बिहार नंबर एक, झारखंड नंबर दो। यहीं पर एक राज्य और है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ था, जिसे कहते हैं हम क्या? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या हो गया? नंबर तीन। फिर ये पूरी सीमा यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरी सीमा किसकी है? एमपी की। तो एमपी क्या हो गया? एक दो तीन और चार, चौथा राज्य क्या हो गया? एमपी हो गया। यहां पर थोड़ी सी सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की। राजस्थान क्या हो गया? एक दो तीन एमपी चार, राजस्थान नंबर पांच। राजस्थान के बाद फिर सीमा आती है यहां पर हरियाणा की। हरियाणा क्या हो गया? नंबर छह। उसके बाद उत्तराखंड नंबर सात है ही। फिर यहां पर थोड़ी सी सीमा लगती है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। सात एक आठ, यानी आठ राज्य। कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश एक, उत्तराखंड दो, इधर से नहीं लगे बिहार एक, झारखंड दो, छत्तीसगढ़ तीन, मध्य प्रदेश चार, राजस्थान पांच, हरियाणा छह, हिमाचल प्रदेश सात, और ये यूके यानी उत्तराखंड आठ, और यहां पर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं किससे लगती हैं? लगती हैं ये उत्तर प्रदेश से। और जितने भी ये पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हैं उनमें सबसे लंबी सीमा, ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो एमपी की जो सीमा है वो यूपी में क्या रखती है? सबसे लंबी सीमा। और अगर ये पूछता है कि सबसे छोटी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से ही लगती है, जहां पर एक जिला है सहारनपुर। यही टच करता है कि भाई हिमाचल प्रदेश को, यह है सबसे छोटी सीमा। तो अलग अलग स्टेट की बाउंड्रीज इसकी किताब में है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में पश्चिम से पूरब और पूरब से पश्चिम की क्लाइमेट कैसी है, जलवायु कैसी है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है ना, वो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कैसे होती है? वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। देखिए अभी कैसे आप काउंट क्लियर करते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, बंगाली खाड़ी की शाखा से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाली खाड़ी की शाखा से ये इसका वर्षा का एक एरो बनता है। तो
तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ और उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होती है, कम होती है। पूरब से पश्चिम की तरफ कम होगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ कम होगी। अब इसी वर्षा का देखिए कितना प्रभाव पड़ता है, इसी वर्षा का प्रभाव क्या पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्षा कम हो रही है, पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा कम हो रही है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा, मथुरा में सबसे कम वर्षा, और जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है वर्षा कम हो रही है। इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है किसमें, कृषि पर। इसका मतलब क्या, बहुत सीधी सी बात है कि जो पूर्वी वाला इलाका होगा वो धान प्रधान वाला होगा, जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे गेहूं गन्ना प्रधान हो जाएगा, पूर्व की तरफ आएंगे तो धान गन्ना प्रधान हो जाएगा। पूर्व की तरफ वर्षा ज्यादा होती है, पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती, धीरे धीरे कम हो जाती है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है, गेहूं गन्ना क्षेत्र है, और पूर्व उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है, धान गन्ना क्षेत्र है। गेहूं थोड़ा बहुत होता है यहाँ पर लेकिन फेमस इसलिए नहीं है। इसी का प्रभाव के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रधान क्षेत्र, यहाँ पर धान, और इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश ज्यादा वर्षा के चलते किस लिए रहता है, बाढ़ क्षेत्र है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अपेक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या होगी, बाढ़ ज्यादा है। अब आते हैं कि जलवायु में जैसे जैसे पश्चिम की तरफ जाएंगे शुष्कता जो है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश का ज्यादा शुष्क है, पूर्वी भाग क्या है, ज्यादा वेट है यानी गीला है, वर्षा ज्यादा होती है। यही चीज पर्वतों के साथ, क्यों, क्योंकि भारत में ज्यादातर वर्षा कैसे होती है, भारत में ज्यादातर वर्षा पर्वतीय, अगर पर्वतीय अवरोध नहीं मिला, पर्वतीय अवरोध नहीं मिला तो वर्षा नहीं होगी। पर्वत से टकराती है शिवालिक से हवाएं, बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो यहां वर्षा करती है। लेकिन जैसे जैसे दक्षिण में आते हैं तो ये जो पठारी क्षेत्र है ना, जिसे बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं, जिसे बंगेलखंड का क्षेत्र कहते हैं, वो ड्राई हो जाता है, वहां वर्षा कम होती है, और वहां पे दाल प्रधान एग्रीकल्चर आ जाती है। कैसी एग्रीकल्चर, दाल प्रधान एग्रीकल्चर। तो दक्षिण में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शुष्क है तो दाल, पूर्व उत्तर पूर्व में वर्षा ज्यादा होती है तो धान और गन्ना, पश्चिम की तरफ गन्ना और गेहूं की शुष्कता ज्यादा हो जाती है। तराई का क्षेत्र जो होता है वो धीरे धीरे साफ करके वहां पर चावल की कृषि की जा रही है। जितने भी तराई जिले हैं वो बिजनौर से लेकर के कुशीनगर तक, ये सभी क्या है, ये सभी धान उत्पादक क्षेत्र है। धीरे धीरे तराई को साफ करके जल निकासी की व्यवस्था बनाकर वहां पर खेती लाई जा रही है। सिद्धार्थ नगर में ऐसे ही एक चावल, काला नमक चावल का निर्यात भारत कर रहा है, थाईलैंड को कर रहा है। वैसे ही भारत का ये जो क्षेत्र है, जो तराई का क्षेत्र है, जहां पर ज्यादा कृषि नहीं हो पाती है, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था बना करके इसको भी कृषि कार्य में खेती के लिए लाया जा रहा है। इसी में एक क्रम और देखते हैं कि कल्चर में, तो कल्चर में जो पूरब का इलाका है इसे कहते हैं हम पूर्वांचल, क्या कहते हैं, पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल, जहां पर भोजपुरी बोली जाती है, कभी कभी क्रम लगाने को आता है या सुमेलित करने को, तो पूर्वांचल में भोजपुरी, ये भोजपुरी बिहार तक चली जाती है, तो पूर्वांचल में भोजपुरी, यहां पर ये जो बुंदेलखंड और बुंदेलखंड बघेलखंड का, तो बुंदेलखंड की भाषा जो बघेलखंड के क्षेत्र में, यहां पर जिसकी विशेषता है आला, जो कल्चरल फॉर्म वहां का है, यहां पर कजरी, बिरहा, पूर्वांचल में क्या है, पूर्वांचल का बिरहा बहुत फेमस है, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन पूर्वांचल, यहां पर बुंदेलखंड, पश्चिम में आएंगे तो ये पश्चिम का भाग है, इसे कहते हैं बघेलखंड। तो पश्चिम का क्षेत्र जो है वो क्या है, वो है ये रोहिलखंड, बघेलखंड नहीं, रोहिलखंड, रोहिलखंड। यहां पर क्या है, बुंदेलखंड, जो किस लिए फेमस है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड यमुना के बीहड़ों के लिए फेमस, इसलिए फेमस है, यमुना के बीहड़ों के लिए कुख्यात है। तो यहां है पश्चिम में रोहिलखंड, पूरब में पूर्वांचल, यहां पर बुंदेलखंड, और उसके पूरब की तरफ है बघेलखंड। तो बघेलखंड, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, पूर्वांचल, और बीच का भाग जो है जिसे हम कहते हैं क्या, अवध का क्षेत्र। तो ये भौतिक क्षेत्र हो गए, पूरब में पूर्वांचल, पश्चिम में रोहिलखंड, दक्षिण में बुंदेलखंड और बघेलखंड, और बीच में अवध का क्षेत्र।
क्षेत्र सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।